चलो जा रहे बाजार, भाभी साथ हैं, डॉक्टर के पास लाजमी जाना, दवाई ला के नहीं, ठीक है भाजी? इसको ना डॉक्टर के पास लेके जाना है आपने। सारा प्रोग्राम जो ना हमारा चौपट हो गया, बेगम की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। बहुत पैसा फजूल खर्च करके आई हो मनाहल, तुम ना अपनी मामा के साथ जाकर बहुत तंग करती हो इसको। मैं इसलिए तो आपको कहता हूँ कि आप इसको साथ लेके ना जाया करें। आपने खेल लिया क्रिकेट? कौन कौन खेल लेता? बेटा पिछले थे मुझे गेम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। मिलकर तो आप भी ठीक हूँ, जान रहा खुश रहे, बाद रहे फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनाहिल अकरम। लोग जो हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें। आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो व्लॉग में देखें जी, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, जॉब कर रहे हैं, तीनों चारों लगे हुए हैं। कल भी उन्होंने तंग किया है, आज फिर वही हाल है, तो ये फिर नहीं इंसान बन रहा है। क्या हो रहा है ये? अच्छा, किधर गई तुम्हारी मम्मा? का घर ही है, मुझे तुम्हें नजर आई, अंदर होगी, बाहर आ गए इन्होंने। मैंने कहा बाहर होगी। ओ मरासी क्या कर रहा? खाना बना गया की खेलन के लगे जे? हां जी, की खेलन लगे जे? गेंदबला। क्रिकेट खेल रहे हैं आप जी? नहीं। अच्छा, मैं इसको अंदर करता हूं, आप खेल लेना। आज जी छुट्टी का दिन था, तो सारा प्रोग्राम जो ना हमारा चौपट हो गया, बेगम की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। मशीन लगाई हुई थी, फिर खाना वगैरह भी बनाना था। अभी तो गोलियां वगैरह खा के लेटी हुई है, थोड़ी देर को जाएगी भाभी और ये दोनों जाएंगी, दवाई लेके आएंगी, मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएंगी। तो बच्चे कहते थे कि हमने बाहर जाना, कहीं पार्टी शार्टी करेंगे, तो बेगम साहब ने सारा प्रोग्राम जो है ना बच्चों का चौपड़ कर दिया, कहीं भी नहीं लेके गए इनको। तो ये अब अपनी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, हमाद, रेहान, अवैस और मना भी भागी फिर रही है बीच, पता नहीं ये खेलिए कि नहीं। पापा जी खेल रहे हैं, चले उठाए रेहान की बिल्ली का, रेहान की, रेहान चले, चलो चलो। ये जी लंबरदार जा रहा है। हाँ जी, वक्त का पाबंद। चलो भाई, जिसकी बारी है उठाए अब। ये जी गेंद उठाने लगे हैं। अब नहीं बाजगी, बाजगी हाँ जी। बच्चों आप भी क्रिकेट खेलने आए हैं? आपने खेल लिया क्रिकेट? कौन कौन खेल लेता है? खड़ो खड़ो खलन चाल भी एक मिनट बेटा, पिछले थे मुझे गेंद लाग बम से हां देखन दे हमारी किधर लगेगी सानू भी। अच्छा वे वे, तू ना भज, ना भज, ना भज, तू ना भज। चलो जा रहे हैं बाजार, भाभी साथ हैं, डॉक्टर के पास लाजमी जाना, दवाई लाके नहीं, ठीक है भाजी? इसको ना डॉक्टर के पास लेके जाना है आपने, याद से टीटा करके ना वापस आ जाए। चले जाए, मनाहिल जा रही, मनाहिल कहाँ जा रही है? मनाहिल ने जूता लेना है, पहले पहना तो हुआ जूता तुमने, फिर लेना ना।
क्यों शादी पर नहीं जाना? नहीं जाना तुमने शादी पर? नहीं जाना, जाना। अच्छा चले फिर जाए। तुम्हारी मामा गई है डॉक्टर के पास, अभी आपने घर ही रहना है, ठीक है, कहीं जाना नहीं है। हमाद आपने अपना याद करना है वो स्कूल का। हाँ खेल लिया आपने, खाना शाना खा लिया, खेल लिया, मैं जा रहा हूँ दुकान पर, ठीक है। हमाद आपने अपना होमवर्क याद करना स्कूल का, कल टेस्ट है आपका, समझ आई ना? ऐसे टीवी के आ गए या मोबाइल लेकर ना बैठे रहना। तो वीवर सेकंड टाइम आके मैंग ने दुकान खोल लिया, बारिश हुई थी, पानी अभी खड़ा बारिश का। फ्रेंच चीज लेके आई है, मुझे दे रही है। हाँ दे मुझे, दे मैनू, दे मैनू नहीं देनी। अरे चलो कर इधर, आराम ना, आराम ना, लड़ना नहीं है, सही तरीके से कपड़ा डाले। इधर जी चाचा असलम भी आया हुआ है, इधर वीडियो बनाया आपकी कि ना बनाओ के। और सुना चाचा क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, ठीक है। और कोई नई ताजी? कल गए थे उधर हम रिश्ता क्या वो पक्के लड़ गए थे आपकी बेटी के पास, सलाम दे रही थी आपको, बच्चे भी ठीक थे, नदीम भी ठीक था माशाल्लाह, चल फिर रहा था, बाहर बैठे थे जब हम गए थे। हाँ ठीक है, अब सेहत उसकी कहता था, अब बेहतर हूँ। हाँ अच्छा जी, मैं जी लेने जा रहा हूँ इंक, इंक नहीं थी, ख़त्म हुई थी, इंक लेने जा रहा हूँ मैं। रिहान भी साथ जाता, वो रिहान तो नहीं है मेरे साथ। ये जी इधर बालन काट रहे हैं सारे, ये अली है और बिलाल है, और ये इधर रहमत अली बकरियाँ चरा रहा है। शाम का टाइम है, हमारा शाम का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। इंक जी नहीं मिली, मैं अगली दुकान पे जा रहा हूँ। इंक तो अभी नहीं मिली, अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि उधर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो जो अंकल है वो मैच देख रहे हैं, मैच लगा हुआ है ना पाकिस्तान का। इंक तो नहीं मिली, अब मैं जा रहा हूँ घर, सुबह जाते वक्त स्कूल जाते वक्त लूँगा इंक। मेरे आगे आगे बकरी जा रही है। मैं जी घर पहुँच गया हूँ, मैं जी घर पहुँच गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही दादा। हाँ जी एक ही ले जाना, ये मोबाइल है। दस रुपए ये सिगरेट ही ले जाओ दादी लिए। तो दादा सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट खुले देंदे नहीं। अच्छा तू छोड़ ही देगा सिगरेट? कभी कभी वो चंद्रे को मांग ले जी, पी ले जी। ओ ये चंद्रा सोचा तेरा, तू छोड़ ही दे। दादा होर सुनाओ, ठीक है पुत्र, क्या हाल है? ठीक है, इतने दिनों बाद आए। बस यार तबीयत नहीं सही यार। तबीयत क्या हुआ तबीयत को? भाई यार लात की दर्द हो रही है। लात की दर्द होती है? फिर अब कैसे आ गए? तुम्हारी मामा अभी तक वापस नहीं आई दवाई लेके? नहीं आई अभी तक। चाची भी नहीं आई? मनायल भी गई हुई है साथ। मनायल भी साथ है, वो जी गई हुई है, बेगम की तबीयत खराब थी, मैंने कहा था मैं ले चलूँ आपको, कहती कि नहीं वो मनायल का जूता लेना है तो दूसरा दवाई भी लेनी थी उन्होंने। मैं जी जा रहा हूँ दादा असलम के लिए सिगरेट लेने के लिए, क्योंकि दादा असलम ने कहा कि मैं 8 दिन बाद सिगरेट पीता हूँ। पापा ने कहा चलो एक दो ला दो सिगरेट। मैं जा रहा हूँ अब, रिहान को पहले भी ढूंढा है नहीं मिला, अब भी इसको आवाज़ें लगाई हैं 2-3, वो अब भी नहीं मिल रहा तो, मगर अब की नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो फिर पूछूँगा किधर गए हुए थे। इधर आ रहा है मेहरान, फिर उसकी बहन। मैं जी दुकान पे आ गया हूँ, भाई हमजा खड़े हुए हैं दुकान पर, ये सिगरेट ले लिए मैंने। मुझे जी 2 चक्कर पड़ गए हैं, दादा असलम की सिगरेट लेने गया था पहले, अब और पहले इंक लेने गया था, इंक तो मिली नहीं है, तो अब वापस जा रहा हूँ
मगरब होने वाली है और इधर ये खेल रहे हैं बच्चे। एक मेरा क्लास फेलो है अहमद और गुलाबी। दादाजी बहुत खुश हो गया सिगरेट देखकर। दस मार्च ने आज दोबारा नहीं पीनी। दोबारा सिगरेट नहीं पीनी। आज आखिरी सिगरेट है ये दो। स्मार्टच। ये ना स्मार्टच। मैचेस ले आओ मैचेस। स्मार्टच। मोटरसाइकिल तो सी साइकिल थोड़ा थोड़ा। दादा मैं चलाना आता है। हाँ जी। हम आज तुमने सब याद कर लिया अपना। टेस्ट सुबह होना चाहिए अच्छा आपका। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शिकायत आई ना तो फिर आपकी पिटाई हो जाएगी। आपने वह शिकुफे इसका मूड खराब है। क्यों तो मुझे भी बैग नहीं लेके दिया आपने। इधर मुंह करो। आपके बैग को क्या है? अच्छा चलो बेटा ले। मम्मा को कह रहा था कि मेरे कपड़े मेरा बैग धो दे टीचर वाला। अच्छा चलो कहते चाचा मच्छी ना रोटी किनु ये सेठ होंगे बड़े बड़े कादे वास्ते आने तेरे को क्यों आएंगे आपके पास? वर्क करना होंगे ना भी वोट। अच्छा इलेक्शन का वर्क करेंगे आपके पास? आप उनको मछली खिलाएंगे? हां मछली खाएंगे। अच्छा यार ये वो तो सेठ मछली खिलाते हैं आप कैसे कहां से मछली खिलाएं? खाने के आपके पास लाले पर रहे हैं मछली खिलवा रहे हैं। कई बंदे 6-6000 जलसे थे गए ना। और अच्छा चलो चलो आप बंद नहीं ना गए। शुक्र कर आप आते मर जाना ही पहले बंद ना। हम नहीं गए जी उधर। हम जाते भी नहीं ऐसे जलसों पे। मैं काशी रुकया थी मैं कहा बच्ची मेरे जलसे ही पाई नहीं ये पागल मैं जाना। चलो हां ले ही जूता। कौन सा लिया? ये वाला पहन के जाना है। इधर एक मेनू है। एक और भी है। खुशा ये क्यों? ये किसकी है? ये मेरी। ये क्यों ली है? ये मैंने घर के पहनने बाद। तो पहले जो थी आपके पास वो कहां? वो है ना वो टूट गई है। कहां से टूटी है? बाजी मैं बताऊं कैसे टूटी है। इसने ना इसके ऊपर पांव रखा जूते के ऊपर। अच्छा ऐसे एक मेनू ही ऐसे ये देख ऐसे ऐसे पांव रख के छलांग लगाई। मैं कहा शायद दादे ले भी जूती लान गई या सौरे ले भी कोई। मम्मा मास्क लगा। सौरे ले भी चावल। मम्मा मास्क लेके आई है। क्या कुछ लेके आई दिखाए? कौन सा जूता लाई आप? 1500 जूती आई दो के दिया पूरा अड्डा घूमे जूती नहीं लभन डी सौ दी यार नहीं मिल रही थी फिर आप ना लेती खानपुर मंगा लेंगे ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਜੁੱਤਾ ਲਿਆ ਆਪਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸਨੇ 1100 ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਆ 1100 ਦੀ ਆ 1100 ਦੀ बड़ी महंगी आप ही की आई है 700 रुपए की। हां इथो ये 450 कह रहे 450 के लिए आ जांदे इथो टूट जानी देख ले। हां देखा बहुत पैसा फजूल खर्च करके आई हो मनाहल। तुम ना अपनी मामा के साथ जाकर ना बहुत तंग करती हो इसको। मैं इसलिए तो आपको कहता हूं कि आप इसको साथ लेके ना जाया करें। इसका जूता ऐसे मिलना नहीं था। एक जूता बहुत प्यारा था एक बड़ा था एक छोटा था। चलो मैं चल रहा चलो मैंने बकदा टपा के और क्या लिया है नहीं बकदा बन लिया। अच्छा नहीं बंद आगे मेरे को जाना ठीक है करवा लाइए। अच्छा आपके नाम क्या? अच्छा बेटा दादा ने जा रहे हैं बैठे और ये मेरी ये चूड़ी है वो खड़े का है मैं तो पीछे करो इसमें साथ ही है बैठे दी खींचो खा बनाओ खड़े मैं बताऊं एक और खड़े ना करो ना करो ना खोलो ना अच्छे हो के बना यार। हम जा रहे हैं चाचा हम जा रहे हैं ये जूता भी कितने का 1100 का जूता लेके आई है ये देखें मनाहल का जाओ
चलो जी मनाहल जा रही है दादे को छोड़ने। दादे को पतकी पड़ती है। पतकों से डरता रहता। दादा कहना आगे मैंने पतका पैर पोनिया से यहाँ। डॉक्टर को गई थी। क्या कह रहा तुम्हें? क्यों? गई क्या करने थी डॉक्टर के पास? नहीं जा रहा था। चेक करवाया था ना। तो दवाई क्यों नहीं लिया आपने? दवाई घर पड़ी है, गोलियां पड़ी है, ज़ेफ्रन पड़ी है, बीफ्रन पड़ी है, वगैरह दोनों खा ले। मुझे तो यार आपकी कोई समझ, उसको कहती है इंजेक्शन लगा दे। देख लो ये भी तो करवाइए, अच्छी है ये। देखिए आपकी का दुपट्टा है माशाल्लाह बहुत प्यारी, इसको टीका करवा के लाए हैं। ये बाद में लगाते हैं? चले आपका बैग आ गया। चले आप ही राजी आपका जी, आपका बैग तो ठीक है अभी ऐसे ही ना। आपने क्या लेना? शादी से होके आ जाओ, फिर अपने बेटे को बैग ले दूंगी। ठीक है ठीक है, तुम्हारे मामा शादी से होके आ जाएगी ना, फिर आपको वादा बेटे से मैं आके जब आऊंगी ना अपने बेटे को बैग लेके दूंगी। ठीक है कौन सा लेना? ऐसे लेना, ऐसे ही लेके दूंगी। ठीक है चलो जी, अजान हो रही है, नमाज पढ़े, उठे सारे, उठे नमाज पढ़े। ऐसे अपने बेटे को बैग लेके। क्या कर रही है बेटा? मैं बर्तन धो रही हूं। बर्तन धो रही हैं आप? हां जी। अच्छा ये क्या हो रहा है? ये चेक कर रही हूँ, कालक चेक कर रही है। कालक ऐसे आपसे नहीं उतरेगी, इसकी कालक, इसके कालक तुम्हारी मम्मा उतारेगी। अच्छा चलो ठीक है, इतनी बस करें, नहीं करें नीचे सारी काली हो जाएगी, वो ये रैगजीन भी गंदा हो जाएगा। आपसे जितना काम होता ना आप उतना करें, ग्लास प्लेटें धोए आप, इसको रहने दें, आप ही धोलेगी या इसको तुम्हारी मम्मा धोएगी। ठीक है, और मम्मा को अपनी को दवाई दे दी तूने? हाँ दवाई नहीं खिलाई उसको? क्यों? थोड़ी देर के बाद आई थी। अच्छा बेगम कैसे तबीयत है? ठीक है शुक्र है। आप इंजेक्शन लगवा लेती तो तबीयत जल्दी ठीक हो जाती ना। तबीयत तो ठीक है, फिर मेरे पास इतने पैसे। तो यार डॉक्टर के पास आप गई थी, आप उसको बताती मेरे बाजू में कंधे में दर्द है, वो आपको कोई पट्ठों वाली गोलियां देता, इंजेक्शन लगवाती, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं आपके साथ चलूं। आप मानी नहीं, नहीं हमने जाना है बस। डॉक्टर के पास गई थी? हमरा डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर कहता ब्लड आपका ना हाई है। अच्छा है तो वो है ना मम्मा के पास पैसे ही नहीं थे तब। तो फिर ये बता नहीं सकती थी? ये तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप उधर से डॉक्टर को कहती मुझे फोन कर देता। बहुत गलत करके आई आप, दुख हुआ है मुझे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप डॉक्टर के पास गई भी हैं, मैंने आपको कहा था मैं चलता हूँ साथ, गई भी हैं फिर भी आपने दवाई नहीं ली, बस चेक करवा लिया तो आ गए। चुप कर जा, बस यही तो बात है ना कि मैं तंग करता हूँ आप। इसी बात की जी बेगम की समझ नहीं आती, मैंने कल भी कहा था दवाई ले रहे डॉक्टर के पास ले चलूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, गोलियाँ खा ली मैंने, तबीयत तो मेरी भी ख़राब है, मुझे एलर्जी हो जाती है, जब एलर्जी खराब होती है तो मेरा फिर सांस जो ख़राब हो जाता है तो खांसी आती है, तो फिर मुझे जब खांसी फिर मुझे कमर में बहुत दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है मुझे, क्योंकि मेरा मोहरों का मसला है,
थोड़ा सा झटका जो है ना मेरी कमर को, वो भी मुझे बहुत तकलीफ देता। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। उतनी देर के लिए जा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।